हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का सिलेबस, जिसमें हम देख रहे हैं सामान्य वित्त एंड लेखा नियम, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल्स, इसमें देख रहे हैं। इसका चैप्टर वन हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके थे, जिसने भी नहीं देखा उसको देख लीजिए। साथ साथ इसके MCQ भी चैनल पर अवेलेबल है, है ना। हमारे चैनल पर आपको जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसका चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री तक हमने इसके कंप्लीट कर दिए गए, है ना। चैप्टर टू के MCQ भी चैनल पे अवेलेबल हो गए हैं, तो जिन्होंने इनको नहीं सॉल्व किया है वो उसको सॉल्व कर लीजिए। आज हम देखेंगे चैप्टर थ्री के MCQ, ठीक है। ये क्या है, MCQ करना भी उतना ही ज़रूरी है जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके आंसर नहीं दे पा रहे तो ये फिर आपकी कमी है, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, MCQ को रेगुलर सॉल्व करना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखो आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद से देना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। जब तक देखो आप खुद से अपनी तैयारी नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मतलब इतना हिट नहीं करेंगी, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर वन देखिए, नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य होगा। हमने ड्यूटीज़ की बात करी थी कि जो कंट्रोल ऑफिसर है उसकी ड्यूटीज़ होंगी, है ना, कि वह ये देखे कि सरकार को दे समस्त राशियां नियत एवं तुरंत निर्धारित वसूल एवं लेखांकित की जाकर राज्य की संचित निधि, जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उसके अंदर, या फिर लोक लेखा निधियों में जो पब्लिक अकाउंट फंड्स होते हैं उसमें विधिवत रूप से जमा करा दी गई हैं। ये प्रावधान GF & ER के किस नियम में दे रखे हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए भी दिया था और ये क्वेश्चन वहाँ से वापस रिपीट आ गया है, तो आपको इसका आंसर अब तो गलत नहीं करना है, ठीक है। तो नियम 30 में है, नियम 27 में है, नियम 52 में है या नियम 42 में है, तो जल्दी से इसका आंसर 10 से 15 सेकंड के अंदर वीडियो को पोज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नियम 27, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो है, GF & ER के नियम 27 का संबंध है। अभी देखो GF & ER है इसके नियम नंबर 27 के बारे में पहले भी क्वेश्चन था, अब दोबारा रिपीट हुआ है। अब ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये गलत होता है तो फिर तो आपको आपकी मतलब तैयारी बहुत कम है, आपको फिर अपनी तैयारी पर सोचना चाहिए कि आपके कहाँ क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, ठीक है। आप चैप्टर को पढ़ने के बाद भी अगर सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका फेलियर दिखाती है, ठीक है। लेखों का सारांश, विभागीय विनिमय, प्राप्तियों, लेखों के संबंध में कर्तव्य, राजस्व की माफी एवं उसके परित्याग की परिभाषा देते हुए विभागीय नियम बनाना, ठीक है। तो GF & ER जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स के नियम नंबर 27 का इनमें से किससे संबंध है, वही वीडियो को पोज करें 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि देखो आपको खुद को खुद के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर ये होगा आपका। अभी जस्ट अपन ने देखा है नियम नंबर 27 किससे डील करता है, कर्तव्यों से डील करता है, हमें और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। कंट्रोल ऑफिसर के कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जो भी प्राप्तियों लेखों के संबंध में उसके कर्तव्य हैं, तो कौन से नियम में दे रखे हैं, नियम नंबर 27 के अंदर दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुराना क्वेश्चन, कंट्रोल अधिकारी के कर्तव्य, ठीक है, GF & ER के किस नियम में दे रखे हैं, 27 में अंदर, और यहाँ पर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमाकर नियम नंबर 27 लिख दिया और फिर बाद में उसकी चीज़ पूछ रहा है, तो आपको देखो चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक आप इनके आंसर नहीं कर पाएंगे, तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, बताइए नियंत्रण अधिकारी जो कंट्रोल ऑफिसर है अपने अधीनस्थों से किस प्रपत्र में मासिक लेखे एवं विवरणियाँ प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा, तो बताओ कौन सी प्रपत्र में करेगा, GA 13 में नियम 27(2), GA 16 नियम 27(1), GA 15 नियम 27(2), GA 14 नियम 27(1), ठीक है। अगर आपने देखो जब हमने नियम नंबर 27 आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से तो प्रपत्र संख्या भी बताई थी, ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, एक ही सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज तो आप सोचते रहेंगे GA 13 था, 16 था, 15 था, 14 था, कौन सा था, लाइन से देखो 13, 14, 15, 16 दे रखे हैं, नियम नंबर 27(2), 27(1), 27(2), 27(1), ठीक है। अगर आपने ये भी ध्यान रखा हो कि 27(2) के अंदर है कि 27(1) के अंदर है, तो उससे भी दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि 27(1) नहीं है ऑप्शन, ठीक है, तो फिर क्या बचता है, 27(2), 27(2), अब आपको बस GA पे जोर देना है, GA 13 था कि GA 15 था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए 10 से 15 सेकंड में, और मैं इसका आंसर आपको पहले आंसर दिखाता हूँ उसके बाद इसका आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर फिर भी मैं आपको यहाँ लिख के चलता हूँ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है पढ़ने से ही चीज़ें आती हैं, जब हम ये
नियम नंबर 27 पढ़ा था जब हमने, तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है मंथली अकाउंट्स एंड रिटर्न्स, यहाँ पे लिखे हुए हैं। यार मैं वहाँ पर नहीं आ रहा हूँ तो मैं अपने आप को भी ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ देखिए मंथली अकाउंट्स एंड रिटर्न्स की बात करता है। यहाँ पर नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थों से पत्र संख्या कौन सी 13A में मासिक लेखे एवं विवरणियाँ प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। नियम नंबर कौन सा हो गया, 27 हो गया। 27 का 1 ये रहा और 27 का 2 ये रहा जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये यही चीज़ आपसे वहाँ पूछी गई थी, यहाँ पे जहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यही था कि नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थों से किस पत्र में मासिक लेखे एवं प्राप्तियाँ विवरणियाँ प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। तो जी ए संख्या कौन सी हो गई, 13 हो गया, और नियम 27 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बताइए जी एफ एंड ए आर के नियम 28 के बाबत चर्चा की गई है, ठीक है। तो बताइए जी एफ एंड ए आर के नियम 28 के बाबत इनमें से किस, मतलब किसके बारे में चर्चा की गई है 28 के अंदर, ठीक है। अगर देखिए आपने नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप एक सेकंड में बताएंगे कि इसके अंदर क्या बता रखा है, ठीक है। विभागीय विनिमय के बारे में बता रखा है क्या, वित्तीय औचित्य के स्तरों के बारे में है, लेखों के सारांश के बारे में है, या भूमि एवं भवनों का किराया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये वाला लेखों का सारांश, ठीक। ये भी आपको दिखाऊंगा, चलो ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप है ना अपनी तैयारी कर रहे होते हैं और आप बार बार क्वेश्चनों को क्वेश्चंस के नियम देख लेते हैं। देखो लेखों का सारांश नियम नंबर 28 किससे डील कर रहा है, नियम नंबर 28 डील कर रहा है लेखों के सारांश एक्सट्रैक्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है इनका, ठीक है। ये पर निकल लिया था, आ जाइए अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सामान्य वित्तीय मतलब जनरल फाइनेंस एवं लेखा अकाउंटिंग रूल्स, ठीक है, के नियम नंबर 27 में वांछित है कि विभागाध्यक्ष कौन होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, HOD बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों सबॉर्डिनेट ऑफिसर से मासिक लेखे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट कौन सी चीज, मंथली अकाउंट्स, ठीक है। अब ये जो मंथली अकाउंट्स है निर्धारित फॉर्म के अंदर प्राप्त करेगा, फॉर्म पूछ रहा है कौन से फॉर्म के अंदर ये मंथली अकाउंट्स प्राप्त करे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2012 के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं और ये आपको याद होना चाहिए। अभी 2 मिनट पहले पढ़ के आए थे नियम 27 के अंदर कौन सा GA था, GA 14 था, GA 15 था, GA 55 था, या GA 13 था, ठीक है। तो देखो हम अगर हम वापस से इस क्वेश्चन पे जाएंगे पीछे वाले पे, तो ये कौन सा था, GA 13, ठीक है। अगर आपने ढंग से याद रखा होता कि नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थों से, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ये नियंत्रण कंट्रोल ऑफिसर को भी बोल सकते हैं, ठीक है, अधीनस्थों से किस पत्र में मासिक लेके मंथली अकाउंट्स एवं विवरणियाँ प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा, तो GA 13 नियम 27 के 2 के अंदर प्राप्त करेगा, ये अभी जस्ट अपन ने देखा था, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप आराम से कि नहीं कर पा रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं कि आप वो चीज़ें लिंक कर पा रहे हैं, है ना, चैप्टर के साथ में क्वेश्चंस को लिंक कर पा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बताइए अधीनस्थ कार्यालयों में प्राप्तियों जो भी रिसीप्ट हैं उनकी आंतरिक जाँच लेखा परीक्षा की व्यवस्था कराई जाती है, ठीक है। तो कहाँ कराई जाती है, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अधीनस्थ कार्यालयों की बात कर रहा है, जो रिसीप्ट्स हैं उनकी आंतरिक जांच की बात कर रहा है, लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट की बात कर रहा हूँ, तो इसकी व्यवस्था कराई जाती है किस नियम के तहत कराई जाएगी। तो जो अपने अपने सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के नियम 41 के तहत, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के नियम 41 के तहत कोषाधिकारी यहाँ पे विभाग द्वारा, ठीक है, क्या विभाग कराता है क्या ये वाले काम, आंतरिक जांच के काम विभाग के द्वारा कराए जाते हैं, कोषा अधिकारी के द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा नियम है, नियम 40 है या नियम 41 है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं,
आपके पास है 10 से 15 सेकंड, ठीक है। कुछ देखो जनरली क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ये, अब देखो ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको लाइटली ना लें इन टॉपिक्स को। कई बार क्या होता है आप सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो ये कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ें स्किप कर दो, अभी वहीं से क्वेश्चन बनकर आ रहा है। जिस चीज़ को आप स्किप करके आगे निकल जाएंगे वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या कोषाधिकारी का काम होता है, विभाग का काम होगा इंटरनल जाँच कराना, ऑडिट कराना, उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी है, तो ये कौन कराएगा, विभाग द्वारा कराए जाते हैं। नियम नंबर कौन सा, नियम 41 के अंदर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर सही, ठीक है। अगर जैसे चाहिए कि अपन नियम 41 में जाके देखें तो नियम 41 में भी जाके देख लेंगे अपन। देखो नियम 41 में चलते हैं, यहाँ आ जाइए, पढ़िए यहाँ पर नियम नंबर 41 पढ़िए। नियम 41 क्या कह रहा है, आंतरिक जांच, लेखा परीक्षा, इंटरनल ऑडिट चेक, ठीक है, ये पूछा गया आपसे, कौन सा हो गया, नियम 41 हो गया। कौन करा रहा है, विभाग अपने आंतरिक जांच दलों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में प्राप्तियों की आंतरिक जांच लेखा परीक्षा कराने की व्यवस्था कराएगा। तो कौन करा रहा है, विभाग करा रहा है, डिपार्टमेंट कराएगा, ठीक है। और इस प्रयोजन के लिए वे ऐसे पक्षकारों के मार्गदर्शन के लिए नियम जारी करेगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है जो आपको चैप्टर में पढ़ाई गई थी, तब तो आपने स्किप कर दी थी, तब ध्यान नहीं रखा था, है ना, और अब आपको ये चीज़ें याद रह पा रही होंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, विभाग द्वारा कराई जाएगी इंटरनल जांच, आंतरिक जांच, लिखा ऑडिट। तो इस तरीके से आप क्या टॉपिक पॉइंट्स को अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रहेंगे, अदरवाइज तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बताइए राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में जिन त्रुटियों, ठीक है, एरर्स की बात कर रहा है, ठीक है, एरर्स का विभागीय अधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है तथा जिन्हें लेखों में शुद्ध करना आवश्यक है, जिसका विवरण किस प्रपत्र में संबंधित कोषागार अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाएगा। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या कहते रखें, GA 16, GA 15, GA 14, GA 13। तो बताइए अगर जैसे कोई एरर आपके सामने आते हैं, ठीक है, तो उनको कौन से GA में भेजा जाएगा, बस सिंपल सी ये बात है, बताओ। तो देखो ये भेजे जाएंगे एरर के लिए कौन सा था, GA 15 में इनको भेजा जाएगा, ठीक है। ये आप कराए भी थे बहुत अच्छे से, अगर आपने करे होंगे तो आपको याद होंगे, अदरवाइज तो क्या होगा, भूल जाओगे, ठीक है। अगर देखो क्या होता है कि आप इन चीज़ों को, है ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अब राजस्व प्राप्तियाँ, है ना, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, राजस्व की प्राप्तियाँ ही हैं, ठीक है, थेका? तो इसमें वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशंस दे रखा है उसमें अगर कोई त्रुटियाँ आपके सामने नज़र आती हैं तो विभागीय अधिकारी द्वारा पता उन्हें लगाया जाता है, और जिन्हें लेखों में शुद्ध करना है ना, उनको क्या है, वापस से करेक्ट करने के लिए किस प्रपत्र में संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से लेखाकार को भिजवाया जाएगा। तो ये सिंपल सा है, अगर आपने इसको ढंग से याद रखा होगा GA 15 तो आपको याद रहेगा। अब आपको ये बताना है कि ये अपन ने कौन से नियम में पढ़ा था, ठीक है, नियम बताना है, रूल नंबर बताना है, कौन से रूल में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि GA 15 और ये किसके कौन से उसके डील करता है, ठीक है, एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स की जो बात है वो कौन से नियम में है। जल्दी से आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका आंसर आपको 2 मिनट में बताता हूं, ठीक है। खुद से आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे भाई, अदरवाइज मैं तो बताता रहूंगा और आप भूलते रहोगे, ऐसे नहीं चलेगा ना काम। आपको क्या है, खुद भी याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा नियम था, कौन सा ये था, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और आप रिकॉल करें, पहले तो क्या है खुद से, जैसे मान लीजिए अपन ने जब पढ़ा था, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो क्लिक कर ही रहा होगा कुछ कि भाई ये था कि कौन सा नियम था, है ना। और अगर आपको हल्का सा भी क्लिक कर रहा है तो फिर उस हिसाब से उसको याद करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। तो ये कौन सा नियम था, ये रूल नंबर 28, ठीक है, और 28 का भी कौन सा पॉइंट था, 28 का था पॉइंट फोर, ठीक है। आ जाओ आपको दिखा भी देते हैं, देखो यहाँ पढ़ो, त्रुटियों का शुद्धिकरण, करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। जी ए कौन सा हो गया, 15 हो गया, इससे संबंधित है। तो देखो ये नियम कौन सा हो गया, 28 हो गया। तो ये इस तरीके से आप याद रखेंगे इन चीज़ों को तभी आपको याद रहेंगे लंबे समय तक, अदरवाइज़ तो क्या होगा, आप ये सब भूल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये भूल जाएं, इसीलिए मैं आपको बार बार ये दिखा भी दे रहा हूँ जिससे आपको यह क्या है, याद रहे, लेखों में शुद्धि करना, ठीक है, त्रुटियाँ जो भी एरर्स है। तो कौन सा हो गया, GA 15 हो गया। आ जाइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8,
सरकार को दे किसी राशि को बिना पर्याप्त कारण के बकाया नहीं छोड़ा जाएगा, ये प्रावधान जीएफ एंड ईआर के किस नियम से संबंधित है? तो बताइए जल्दी से कौन से नियम से संबंधित है। ये नियम 31 से है, नियम 32 से है, नियम 30 से है, नियम 29 से है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। 10 से 15 सेकंड का टाइम आप ले सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, है ना। अगर आप दो मतलब अपने ब्रेन पे थोड़ा सा भी जोर देंगे तो आप इन ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दो दो सेकंड में निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये नियम नंबर कौन सा 30 के अंदर दे रखा है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बताइए जीएफ एंड ईआर के नियम 31 के संबंध में असत्य है। अब आपको बताना है कौन सा फॉल्स है इसमें से। देखो पॉइंट्स पढ़िए, किसी आदेश द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं होने तक राशियों को सस्पेंस अकाउंट्स उच्चती खाते में नाम लिखकर राजस्व के रूप में जमा नहीं किया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वास्तविक प्राप्ति पर ही राशि खाते में जमा की जानी चाहिए, उससे पूर्व नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा, असत्य पूछा, फॉल्स पूछा गया है, और ये दोनों ठीक हैं। तो 1 और 2 जहाँ जहाँ ऑप्शन में होगा तो वो ऑप्शन तो आपका मतलब सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, और 2 भी बिल्कुल ठीक है तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। आप अगर चौथा ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ा भी नहीं है तो आप ऑप्शन से भी इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं, पर फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। किसी विशेष मामले में वित्तीय विभाग की स्वीकृति से राशि जमा की जा सकती है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। चौथा पॉइंट कह रहा है, जब सरकार को दे किसी राशि को प्राप्त करना संभव प्रतीत नहीं हो तो उसके समायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बताइए राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभाग, उत्तरदायी मतलब रेस्पॉन्सिबल जो विभाग अध्यक्ष है, अपने नियंत्रणाधीन राजस्व के संग्रह की प्राप्ति के बारे में तथा बजट अनुमानों की तुलना में ऐसे संग्रहणों में महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में पूर्ण सूचना देता रहेगा। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा, प्रपत्र संख्या जी ए 55 एवं 14 में, पत्र संख्या जीए 55 एवं 14 में महालेखाकार को, और यहाँ पे वित्तीय विभाग को पूरा पढ़ना है, ध्यान रखना है कि महालेखाकार की बात कर रहा है या फिर वित्त विभाग की बात कर रहा है, ठीक है। जीए 55, 56 वित्त विभाग, जीए 55 और 56 में महालेखाकार को। तो बताइए जल्दी से कि राजस्व के संग्रहण के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं नियंत्रण अधीन जो भी जो उसके मतलब सबॉर्डिनेट क्या है उसके कंट्रोल में जो राजस्व है उसके संग्रहण की प्राप्ति के बारे में तथा बजट के अनुमानों की तुलना में ऐसे संग्रहणों के महत्वपूर्ण अंतरण के बारे में पूर्ण सूचना देता है। तो कौन से पत्र के अंदर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन देता है तो वो किसको देता है और कौन से पपत्र संख्या में देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पपत्र संख्या जीए 55 एंड 14 में वित्त विभाग को देगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, बताओ कौन से नियम में पढ़ा था, रूल बताइए। चलो देखो इन मैं तो क्या है आपसे बार बार पूछूंगा, मेरे को तो आपको याद करानी है चीज़ें, अगर आप भूल भी जाएंगे तो मैं बार बार आपसे रूल पूछ पूछ के याद करा दूंगा, ठीक है। और जिनमें क्या है इस तरीके के रूल्स लिखे हुए हैं ना वहीं से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ज़्यादा, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सोचते हैं कि ये रूल हमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो कौन सा नियम था बताओ जल्दी से, 2 से 4 सेकंड ले लीजिए। रूल नंबर हो जाएगा 32, आ जाइए 32 पे चलते हैं, 32 भी दिखा देते हैं आपको, 36 ये हो गया 33 और ये हो गया आपका 32। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 32 के अंदर, नियम 32, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभाग अध्यक्ष अपने नियंत्रणाधीन राजस्व के संग्रह की प्राप्ति के बारे में तथा बजट अनुमानों की तुलना में ऐसे संग्रहण के महत्वपूर्ण अंतरणों के बारे में पूर्ण सूचना, पत्र संख्या कौन सा जीए 55 एवं 14 में वित्त विभाग को देता है, कौन से को देता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट यार। एक्चुअली क्या है, हाथ रखने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है तो क्या हवा में लिखना पड़ता है, तो इस तरीके से लिख नहीं पाते हैं सही, ठीक है। एक सेकेंड, वापस वहीं चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, आ जाओ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये हो गया था अपना, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए थे अपने। अब ये क्वेश्चन थे, है ना, ये क्वेश्चन नंबर अपना 11, ठीक है। जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त
अन्य कोई अदर देन, ठीक है, सिविल विभाग किसी किराए योग्य भवन का रख रखाव करता है तो उस भवन के बकाया किराए की वसूली के लिए उत्तरदायी कौन होगा? संबंधित विभागाध्यक्ष, निर्देशक निरीक्षण विभाग, कोषाधिकारी या राज्यपाल? बताइए। तो ये कोषाधिकारी और राज्यपाल तो नहीं होते, तो ये ए और बी में से बताइए। 10 से 15 सेकंड का आंसर वो टाइम लीजिए अपना और जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम में ही आगे लेके जाएंगे अगर आप चीज़ों को याद रखेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। जो भी कोई सार्वजनिक निर्माण विभाग है, ठीक है, अपन ने इसकी बात करी थी ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, याद है आपको चैप्टर में हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, क्योंकि देखो आपको भी 2-5 मिनट तो देने ही चाहिए मुझे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो संबंधित विभागाध्यक्ष कौन करेगा? उस भवन के बकाया किराए की वसूली के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंटल ऑफिसर होगा वही उसके किराया वसूलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। आज ये आगे चले, नियम नंबर कौन सा है? नियम है ये 33 के अंदर, ये भी नियम चलो आपको दिखाते हैं 33 वाला। बताइए एक्चुअली का जब अभी नियम देख लेंगे तभी तो आपको याद रहेगा। देखो नियम नंबर 33, ठीक है। अब भूमि एवं भवनों का किराया, रेंट एंड बिल्डिंग्स एंड लैंड आर जब सार्वजनिक निर्माण विभाग जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है इसके अलावा अन्य कोई, ठीक है, सिविल विभाग किसी किराए की योग्य भवन का रखरखाव करता है तो उस विभाग का जो विभाग अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। आपने अगर इस ये जो नोट्स हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से कर पाएंगे। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भवन के बकाया किराए की वसूली रिकवरी के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्यों आपको ये चीज़ें पहले पढ़ाई गई हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चंस कर लिए होते तो आराम से कर पाते, ठीक है। तो कौन करेगा? संबंधित विभाग का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वही करेगा, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा किराया वसूलने के लिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सरकार की विभिन्न मांगें जो सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती हैं कौन निगरानी रखेगा इस पर, ठीक है। वित्त विभाग रखेगा, राज्यपाल रखेगा, महालेखाकार राजस्थान रखेगा या प्रशासनिक विभाग रखता है? तो देखिए इसका आंसर क्या है, 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका देखो सरकार की जो भी विभिन्न मांगे हैं जो सामान्य राजस्व से रिलेटेड प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती हैं उन पर निगरानी कौन रखता है? उस पर निगरानी रखता है महालेखाकार राजस्थान EG, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल रखता है इस पर निगरानी। अजय क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए GF&AR के नियम 39 के अनुसार माफ़ी जो भी आपने छूट दी है, ठीक है, इसका विवरण भेजा जाएगा तो किस में भेजा जाता है? GA 16 में, जून की पहली तारीख को विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार को, GA 15 में, जून की पहली तारीख को विभाग कोषाधिकारी द्वारा महालेखाकार को। इनका भी ध्यान रखना है, पीछे सिर्फ नियम नहीं पढ़ना है, नियम के अंदर ये भी पढ़ना है कि विभागाध्यक्ष महालेखाकार को भेजेगा, कोषाधिकारी महालेखाकार को भेजेगा, कोषाधिकारी द्वारा महालेखाकार को भेजेगा, पर GA 16 में भेजेगा कि जून की पहली तारीख को भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़िए जून की पहली तारीख। तो देखो सब में जून की पहली तारीख है तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसमें GA 16 है या GA 15 है इसका ध्यान रखना है। इसमें विभाग अध्यक्ष हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD भेज रहा है या कोषाधिकारी भेज रहा है या कोषाधिकारी महालेखाकार को भेज रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर GA कौन सा हो गया, GA 16 हो गया या GA 15 हो गया, ठीक है, या विभाग अध्यक्ष महालेखाकार को भेज रहा है तो कौन किसको भेज रहा है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आपके पास है 10 से 15 सेकंड, ठीक है। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से याद किया होगा तो 1 सेकंड में कर देंगे आप आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपने 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर दिया होगा तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रपत्र संख्या कौन सी है? GA 16 है, उसमें जून की पहली तारीख को विभाग अध्यक्ष द्वारा महालेखाकार को भेजा जाता है। आ जाइए नियम नंबर 39 भी देख लेते हैं। ये हो गया 37, ये हो गया आपका 39, ठीक है। देखो ये नियम नंबर 39 हो गया आपका, माफ़ी का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ रेमिशन, ठीक है। तो विभाग अध्यक्ष किसी भी जुर्माने की माफ़ी संबंधित सूचना प्रत्येक वर्ष
जून की पहली तारीख को GA-16 प्रारूप में भरकर महालेखाकार को भेजेगा। कौन भेज रहा है? विभाग अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। विभाग अध्यक्ष महालेखाकार को भेज रहा है, GA-16 में भेज रहा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वापस चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। अब देखिए 13 अपन ने ये कर लिया था, ये क्वेश्चन ये कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 करते हैं। 14, GF&AR के नियम 39 के अनुसार कितने रुपए से कम एकल छूट या माफ़ी के विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो बताइए 1000 रुपये से कम 500 रुपये से कम 200 रुपये से कम या 100 रुपये से कम के जो भी वो होगी छूट दी जाएगी उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा नियम है? नियम नंबर 39 अभी देख रहे थे उसमें, नियम नंबर 39 का GA-16 में क्या दे रखा है? पहली तारीख को तो विभाग अध्यक्ष महालेखाकार को इस तरीके छूट का विवरण भेजेगा। ठीक है, और नियम 13 का ही पॉइंट नंबर 2 है, उसके अंदर कितने रुपये की छूट का विवरण सम्मिलित नहीं किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, बहुत ईजी है ना, ये क्वेश्चन तब भी समझाया था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, होमवर्क है। और ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है बताइए? राजस्व आबकारी विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी विभाग या चिकित्सा विभाग। तो राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में इनमें से किस विभाग को सम्मिलित नहीं किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और आपको इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, हम आपको वहीं पे इसका करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा हो तो आप ऐसे पूछ भी सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दीजिए, तो आपके कमेंट पे ही हम इसका आंसर भी दे देंगे। ठीक है, हालांकि इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दे दिया जाएगा, परंतु जब आपको अगर देखो खुद से भी ट्राई करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जब आप खुद से मेहनत करेंगे तो हमें भी पता चलेगा आप कितने सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर। तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।